नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। बीड के केश के सोनसावंगी शिरडी गांव में 75 वर्षीय दलित महिला का अंतिम संस्कार रोका जाने की हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यह तीसरी बार है जब गांव में अंतिम संस्कार को शमशान घाट पर रोका गया है। अंबुबाई साखरे नाम की 75 वर्षीय महिला की मौत हो गई, लेकिन जगह के विवाद के चलते ग्रामीण पिछले 20 घंटे से अंतिम संस्कार को रोक रहे हैं। इससे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार व पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गया है। आम्हाला जागा देत नाहीत, काय नाही, दोन तीन मुळे आमचे असे झाले, आम्हाला आता तैसे जाणी आहे खाली आमचे प्रेत प्रत्येक वेळेला आम्हाला असे करतात। काल झालेले म्हणायचं, काल झाले ही 11 वाजता झाले, 11 वाजता नाही, 11 जागेच्या ऐवजी दुसरीकडे कुठे जागा देत तुम्हाला दिली, दुसरी जागा का नको? काल किती वाजता घडली घटना? ही काल 11 झाली, मग त्यावेळेस पासून सगळे उपाशी वगैरे आहेत का? आणि ह्यांचं त्या पाणी नष्ट व्हायला म्हणतात, तुमचं पोट फुगून मेल आणि त्यांचं नाश्त पाणी झालं, आमची तिले तिले उपास यायची किलोमीटर जागा दाखवली होती पुढे तिकडे। आपत्तिजनक फोटो दिखाकर नाबालिग इंजीनियरिंग छात्रा से गैंगरेप करने का केस जरीपटका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सामने आया है। जरीपटका पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। पीड़ित 17 वर्षीय नाबालिग इंजीनियरिंग की छात्रा है। घटना का सूत्रधार आनंद कामले है, वह छात्रा का पड़ोसी है, इससे वे एक दूसरे को जानते हैं। छात्रा का स्नान घर घर से अलग है। स्नान करने के दौरान यश ने छात्रा की फोटो व क्लिपिंग बना ली। उसने छात्रा को 17 अप्रैल को घर बुलाया, वह छात्रा को स्नान करते हुए निकाले गए फोटो और क्लिपिंग दिखाई। यह देखकर वह डर गई, उसने यश से पानी मांगा। यश के पानी देने के दौरान ही उसके दो मित्र वहां आए, उन्होंने छात्रा का मुंह दबाकर बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाए। यह बात किसी को बताने पर क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी। इस भय से छात्रा ने यह बात किसी को नहीं बताई। 25 अप्रैल को उसने मां को यश द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाने का बताया। मां की शिकायत पर पुलिस ने यश के खिलाफ बलात्कार व धमकाने का मामला दर्ज किया है। जांच में छात्रा ने यश के दो मित्रों द्वारा भी बलात्कार किया जाना बताया। इस आधार पर दोनों मित्रों को भी आज आरोपी बनाया गया है। जरीपटका पोलीस ठाणे येथे एका अल्पवयीन मुलीने दिनांक 25/4/2022 रोजी तक्रार दिली की यश आनंद कांबळे राहणार इंदोरा याने तिच्याशी इच्छेविरुद्ध शारीरिक संभोग करून तिचे अश्लील व्हिडिओ तयार करून ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली। अशा तक्रारीवरून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून आरोपी यश आनंद कांबळे याच गुन्ह्याच्या तपासकामी अटक करण्यात आलेले आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास चालू असताना दिनांक 26 रोजी पीडित मुलगी हिने पुरवणी बयानामध्ये आणखीन दोन आरोपींची नावे सांगितलेली आहेत, रिशील उर्फ चिक्कू सुशील खोब्रागडे आणि रक्षित उर्फ चिट्टू सुशील खोब्रागडे यांनी देखील त्याच दिवशी तिच्याशी शारीरिक संबंध केले असल्याचे त्यांनी तपासामध्ये सांगितले आहे। त्यावरून नमूद दोन्ही आरोपींना दिनांक 26/4/2022 रोजी अटक करण्यात आलेली आहे। नमूद गुन्ह्यातील एकूण तिन्ही आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीत असून त्यांच्याकडे गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास चालू आहे। उल्हासनगर हिल लाईन पोलीसने 2 बाद पीडितावर आरोपी का पता लगाया है। नाबालिग लड़की पीड़िता को जून 2020 में पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक युवक मोहम्मद शेख ने अगवा कर लिया था। पीड़िता के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद उल्हासनगर हिल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया था। हिल लाइन पुलिस पिछले 2 से बच्ची और आरोपी की तलाश कर रही थी। आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर की पीड़िता और आरोपी मोहम्मद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मोहम्मद शेख पर पोस्को क्लॉज के तहत रेप और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोप लगाया गया है। ये घटना है 20 जून 2020 ची। तर एक फिर्यादी आहेत हसीबुर रहमान म्हणून,
त्यांनी तक्रार दिली की त्यांच्या अल्पवयीन मुलीला आरोपी आहे मोहम्मद शेख उर्फ अली याने लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून घेऊन गेलेला आहे अशी घटना 2020 घडली होती भालगाव नेवाळीच्या हद्दीमध्ये। तर तो या गुन्ह्याचा तपास चालू होता, ते अजून काही बरेच दिवस त्याचा तपासात काही निष्पन्न होत नव्हतं, म्हणून काही माहिती मिळाल्यावरून मागील आठवड्यामध्ये आमचे गुन्ह्याचा तपास करणारे अधिकारी API वगैरे आणि स्टाफ यांना आम्ही पश्चिम बंगाल येथील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात पाठवण्यात आलं होतं। तर तिथून मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात गेलेल्या टीमनी सदर मुलगी आणि त्या मुलीला पळवून घेऊन जाऊन लग्न करणारा जो आरोपी आहे यांना पोलीस ठाण्यात आता आणलेला आहे आणि सदर त्यावेळी ज्या जो गुन्हा होता लग्नाचे आमिष दाखवून पळवून नेण्यासंदर्भात 366(2) प्रमाणे त्याच्यामध्ये आता 376 आणि पोक्सोचे 4, 8, 12 हे सेक्शन ॲड करून आता हा गुन्हा दाखल केला असून त्याला कलम वाढवण्यात आले असून त्यातील आरोपी अटक केलेला आहे आणि आज रोजी त्या आरोपीला कोर्टात हजर करून त्यांची परत पोलीस कस्टडी घेणार आहोत। तर पीडित मुलीला त्यांनी आरोपींनी पळवून नेऊन लग्न केलं, त्यापासून त्याला बाळ झालेलं आहे। तर आता त्या पीडित मुलीचं त्या बाळाचं आणि आरोपीचं DNA टेस्ट करून त्या संदर्भात जो पुरावा उपलब्ध होणार आहे तो पुरावा गोळा करून त्या आरोपीविरुद्ध दोषारोप पाठवण्याची तजवीज करीत आहोत। नागपूर के मानकापूर पुलिस स्टेशन अंतर्गत घर में सेंधमारी करने का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी द्वारा किए गए मानकापूर के 8, कोराडी के 3 और जरीपटका के 2 ऐसे कुल 12 गुनों की शिनाख्त की गई है, जिसमें 2,85,650 रुपयों का माल जब्त किया गया है। मानकापूर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें कार चोरियों का पर्दाफाश हुआ है। 12 सेंधमारी की घटनाओं के माध्यम से जब्त किए हुए माल में सोने चांदी के बर्तन, मोबाइल, कीमती घड़ियां और एक्टिवा गाड़ी का समावेश है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी 33 वर्षीय नीलेश सुधाकर पुरुषोत्तम वार से सेंध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजार भी बरामद किए हैं। नीलेश बल्लार शाह चंद्रपुर का रहने वाला है। वह पाटन सावंगी में वानखेड़े के घर पर किराए से रहता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के नाम पर बल्लार शाह में 19 और नागपुर में 10 ऐसे कुल मिलाकर 29 आरोप है। इनमें से 12 अपराधी की शिनाख्त की गई है। इस कार्रवाई में CP सर, अपर पुलिस आयुक्त रेड्डी सर, DCP संदीप बकाले, ACP बाविस्कर मैडम और DB टीम का समावेश था। जिस परिसर में सेंधमारी की गई वह परिसर निर्जन है, वहाँ किसी भी क्षेत्र में CCTV नहीं थे। इस कारण से आरोपी दिन में ही रेके करता और रात में घटना को अंजाम देता था। पुलिस ने मिली हुई जानकारी पर काम करते हुए तांत्रिकी साधनों की मदद से आरोपी का पता लगाया। दिनांक 24/3/2022 रोजी एक आमच्या हद्दीमध्ये जयदुर्गा नगर गोकुळधाम सोसायटी या ठिकाणी घरफोडी झाली होती। त्या घरफोडीचा तपास सुरू असतानाच गोपनीय माहिती अशी मिळाली की हद्दीमध्ये जो घरफोडीचा आरोपी आहे तो संशयितरित्या आहे आणि त्याला आम्ही चेक केलं असता त्याच्या गाडी वगैरेमध्ये पूर्ण घरफोडीचं साहित्य मिळालं। एकूण घरफोडीचं जे साहित्य बघता तो त्याला विचारपूस अधिक विचारपूस करून त्याच्याकडनं आत्तापर्यंत टोटल 2,85,650 रुपयाचा मुद्देमाल, सोने, चांदीचे भांडे, मोबाईल आणि महागड्या किमतीचे घड्याळ असा एकूण 2,85,650 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये त्याची जी गाडी आहे 2-व्हीलर ती सुद्धा जप्त करण्यात आलेली आहे। यापूर्वी त्याच्यावर चंद्रपूर, बल्लारसा या ठिकाणी 19 गुन्हे आहेत आणि नागपूर शहराच्या सुद्धा यापूर्वीचे 19 गुन्हे दाखल आहेत रेकॉर्डवरील तो आरोपी। मानकापूरमध्ये आत्ता एकूण त्यांनी घरफोडीचे 12 गुन्हे आम्ही डिटेक्ट केले आहेत, त्यापैकी 8 गुन्हे जे आहेत ते स्थानिक पोलीस स्टेशन मानकापूरचे आहेत आणि 3 जे आहेत ते कोराडीचे आहेत आणि 1 जरीपटक्याचे आहेत। आरोपीचं नाव हे आहे निलेश सुधाकर पुरुषोत्तमवार, वय 33 वर्ष, तो राहणार आहे मालखेड विहिरीजवळ बल्लारपूर, बल्लार सा चंद्रपूर या ठिकाणी तो राहतो आणि सध्या तो पाटण सावंगी येथे भाड्याने राहत होता।
मंगलवार को शाम 5 बजे के करीब सांगली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने महिला साहूकार की उत्पीड़न के परेशानी के चलते सीधे थाने में आत्महत्या कर ली। युवक का नाम अतुल गर्जे पाटिल है। उसने शहर थाने की छत पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से सांगली शहर में हड़कंप मच गया है। अतुल गर्जे पाटिल सांगली के नगर थाने में सफाई कर्मी का काम करता था। हालांकि एक महिला साहूकार के वसूली की जांच से तंग आकर प्रारंभिक अनुमान लगाया कि उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस अतुल को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टर ने बताया कि अतुल ने जहरीली दवा डोरमैक्स का इस्तेमाल किया था। शहर के थाने में हुई इस घटना से काफ़ी हड़कंप मच गया है। थाने में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। पुलिस को अतुल ने पत्र में उल्लेख किया था कि वसूली प्रक्रिया से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। अतुल ने पत्र में महिला के नाम का उल्लेख किया है। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है। आज दिनांक 26/4/2022 रोजी सायंकाळी 5 वाजे सुमारास ठाणे आमदार भोळकर यांनी टेरेसवर आपल्या पोलीस ठाण्यातील सफाई कामगार अतुल विलास गर्जे पाटील हा बेशुद्ध अवस्थेत आढळला, कुंडातून पेस आले होता, म्हणून त्याला तात्काळ पोलीस वाहनातून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणलं असता डॉक्टरांनी तपासून त्याला अमृत घोषित केलेलं आहे आणि प्राथमिक तपासात त्याने डोरमॅक्स हे विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केलेली आहे। सदर घटनेचा अधिक तपास चालू आहे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। के बाद आपका स्वागत है। किरीट सोमैया प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि संजय पांडे डर गए हैं। आज हम राज्यपाल को प्रवीण दरेकर, मंगल प्रभात लोढ़ा, गोपाल शेट्टी, सुनील राणे और वकील मिलने जा रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे माफियागिरी कर रहे हैं। मुझ पर जो हमला हुआ उसमें संजय पांडे इनके कहने पर खार पुलिस स्टेशन के अधिकारी शामिल हुए थे, यह आरोप भी उन्होंने इस वक्त किया। किरीट सोमैया ने पुलिस पर सवाल उठाए। उन्होंने यह तक कहा कि क्या पुलिस नींद में थी जब मुझ पर पत्थरों से हमला किया गया। यह संजय पांडे का ही षड्यंत्र था। यह उन्हीं की इच्छा थी कि मैं पत्थरों से जख्मी हो जाऊं। हमने केंद्रीय गृह सचिव को भी सूचित किया है कि मुंबई पुलिस शिवसेना के गुंडों का संरक्षण कर रही है। हमने जिस FIR पर अपने हस्ताक्षर किए थे, संजय पांडे ने उस पर जाँच शुरू कर दी। यह सब गैर कानूनी है। किरीट सोमैया का कहना है कि संजय पांडे डर गए हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हम माननीय राज्यपाल को सूचित करेंगे कि इस बारे में जल्द ही जांच शुरू हो। संजय पांडे इन पर कार्रवाई होकर रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता
प्रवीण दरेकर, सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक सुनील राणे, 8 वकील, हम राज्यपाल जी से मिलकर जिस प्रकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने उस दिन मेरे पे जानलेवा हमला होने वाला था ये मैंने पुलिस को बताया था, और 80 शिवसेना गुंडों को पुलिस ने कैंपस में घूमने का आदेश संजय पांडे ने दिया था, जान लेने का प्रयास हुआ, बड़े बड़े पत्थर आए, एक पत्थर इतना बड़ा मेरे कांच शीशा टूटा, पत्थर मेरे बगल वाले के पैर के पास गिरा, अगर वो गलती से पत्थर मुझे यहां लगता तो क्या होता, कांच फूटा यहां लगा, अगर गलती से यहां लगता तो क्या होता। और उस समय पर संजय पांडे के सब पुलिस खार पुलिस स्टेशन के अंदर छुप गए थे, सिर्फ कमांडो ने मेरी जान बचाई। तो ये संजय पांडे माफिया पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे परिवार का कमिश्नर है, फर्जी एफआईआर क्यों उन्होंने प्रोसेस करवाई, जो एफआईआर पे पुलिस इंस्पेक्टर की सही नहीं है, किरीट सुमैया की सिग्नेचर नहीं है, उसके ऊपर संजय पांडे ने आदेश दिए कार्रवाई करने के। अभी संजय पांडे साहब डर गया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी होगी होगी। नागपुर के जरीपटका क्षेत्र में राजकुमार केवल रामानी स्कूल के पास पार्किंग में रखे दो दोपहिया वाहन को एक अज्ञात आरोपी ने ज्वलनशील द्रव डालकर आग लगा दी, इसमें दोनों वाहन जल गए हैं। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एक युवक ने केवल रामानी स्कूल के पास पार्किंग में खड़ी दोपहिया वाहनों को आग लगा दी। यह घटना सोमवार की सुबह करीब 5 बजे के दरमियान हुई। वाहन को आग लगाने वाले आरोपी के करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बारे में शिकायत मिलने पर जरीपटका पुलिस ने शिकायत दर्ज की। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्लॉट नंबर 526 लखवानी भवन के पास जरीपटका निवासी दर्शनलाल किंगरानी ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी गांधीबाग में कपड़े की दुकान है। सोमवार को सुबह करीब 5 बजे अज्ञात आरोपी ने उनकी दोपहिया वाहनों को आग लगा दी। आरोपी पैदल आते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। वह दोपहिया वाहन के पास जाकर खड़ा हुआ, उसके बाद दोपहिया वाहन को आग लगाकर फरार हो गया। घटना के बारे में पता चलने पर जरीपटका पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर मामला दर्ज किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। दिनांक 25/4/2022 रोजी पहाटेच्या सुमारास दर्शनलाल किंगराणी राहणार वसंत चौक वसंत शाह चौक जरीपटका यांचे पार्किंगमधील 4 मोटरसायकल ॲक्टिवा मोटरसायकलला कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने अंदाजे 20-22 वर्षाच्या मुलाने आग लावून नुकसान केले बाबतची पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल आहे। त्यावरून पोलीस स्टेशन येथे भादवी 427 आणि 435 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील सीसीटीव्हीमधील अज्ञात आरोपीचा जरीपटका पोलीस स्टेशन यांच्याकडून शोध सुरू आहे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति ने येरखेड़ा ग्राम पंचायत में दलित बस्ती कोष के दुरुपयोग का आरोप सरपंच कार्यमुरे और सचिव पर लगाया है। वही सरपंच ने आरोपों से इनकार किया है। वर्ष 2012 से येरखेड़ा ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी में विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की। ग्राम पंचायत ने जांच के आदेश दिए हैं। समिति ने 8 मार्च और 16 मार्च को येरखेड़ा ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र डावरे, सरपंच मंगला मनीष कारेमुरे, उपसरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, शिकायतकर्ता और तत्कालीन 10 ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर जाकर जांच की। इस मामले में बड़ी संख्या में वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है। आमचं मत हे आहे की जे जिल्हा परिषद समिति नेमली होती, मोदा पंचायत समिति तर्फे काही अधिकारी आले होते, त्यांनी जो अहवाल सादर केला आणि याच्या अहवालामध्ये जे दोषी आढळले आहेत त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी। या अहवालामध्ये दिल्याप्रमाणे सरपंच सचिव दोघंही दोषी आढळले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी। आम्ही दिलेल्याप्रमाणे या लिस्टमध्ये आहे, हे लिस्ट तुम्हाला मी देतो, याच्यात पूर्ण आरोप आहे आणि त्याच्यानुसार त्यांनी कारवाई केली, चौकशी केली। रोडचा आहे, नालीचा आहे आणि भरपूर काही असे आहेत जे मुद्दे आहेत त्याच्यात दिले। जवळपास 1 करोडच्या जवळपास आहे हा घोटाळा। मागणी हीच आहे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे जे जिल्हा परिषदचे, त्यांना आमच्या हेच आहे विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर यांच्यावर कारवाई करावी। आम्ही कंप्लेंट केली होती यांची
जिल्हा परिषदमध्ये आणि जिल्हा परिषदनी एक समिती नेमली होती. त्या समितीने इथे येऊन चौकशी केली 3 दिवस आणि चौकशी केल्यानंतर अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार ते दोषी आढळले आहेत, सरपंच आणि सचिव. तर त्याच्यावर आमचं हेच म्हणणं आहे की बा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी त्वरित यांच्यावर ॲक्शन घेऊन कारवाई करावी. दोषी आहेत, दोषी आढळून त्यांच्यावर कारवाई करावी. घोटाळा हा रोड आहे, नाली आहे, भरपूर बांधकाम आहेत असे जे ज्याचे झाले आहे आणि विदाउट बिल पैसे काढलेले आहेत त्यांनी. ग्रामपंचायत येरखेड़ा के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इस रिपोर्ट में कोई तथ्य नहीं है. सभी अभिलेख ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध है. जांच कमिटी को सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराए, इसलिए सरपंच और सचिव दोषी नहीं है. आपल्या गावातील स्थानिक नेता जो आहे सुरेशभर, त्यांनी राजकीय षड्यंत्र रचून एक महिला सरपंच आहे त्यांचा नेहमी वारंवार अपमान करून हे षड्यंत्र समोर इलेक्शन असल्यामुळे 6 महिन्यावर इलेक्शन ग्रामपंचायत असल्यामुळे आपला राजकीय स्वार्थ साधून हे माझ्यावर आरोप करण्यात येत आहे. आणि याआधीसुद्धा त्यांनी ॲट्रॉसिटी आणि विविध माध्यमातून आमच्यावर खोटे आरोप केलेले आहेत. जी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे ते स्थानिक नेता सुरेश भोयर यांचा दबाव आणि त्यांची जिल्हा परिषदमध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे त्या सरकारी यंत्रणेचा दबाव आणून ते आमच्या ग्रामपंचायतमध्ये याआधीसुद्धा त्यांनी 10-10 चौकशा लावलेल्या आहे आणि 9 चौकशांमध्ये काहीही आढळून न आल्यामध्ये या 10व्या चौकशीमध्ये त्यांनी आमच्यावर खोटे आरोप केलेले आहे. आणि हे आपलं स्वार्थ साधण्यासाठी, जो व्यक्ती आपला स्वार्थ साधण्यासाठी आपल्या आईवडिलांना विसरू शकते किंवा आपलं नाव बदलून दुसऱ्यांचं नाव लावू शकते ते गावाच्या विकासामध्ये अडथळे आणत आहे आणि गावाचा विकास आमच्या कार्यकाळामध्ये होऊ नये हा त्यांचा प्रयत्न आहे. ते आमचे ग्राम सचिव जे आहे डवरे सर त्यांच्यावर नेहमी दबाव आणून ते फेरफार करण्यासाठी ह्या सगळं षड्यंत्र रचत नाही आणि आमच्यावर भ्रष्टाचाराचा खोटा आरोप करीत आहेत. हो, त्यांचं असं मत आहे की अनधिकृत लेआउटवर त्यांनी टॅक्स लावा, पण आम्ही अनधिकृत लेआउटवर टॅक्स लावू शकत नाही, त्यामुळे हे राजकीय दबावामध्ये हे सर्व करण्यात येत आहे. वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट. चंद्रपुर के बल्लारपुर वन अभयारण्य के एक युवा अधिकारी ने बेरोजगारी के संकट से निकलने का रास्ता खोजा है. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन योजना के माध्यम से गाँव के बेरोजगार युवाओं को सैन्य पुलिस मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं. संतोष थीपे एक जंगल अधिकारी ने योजना के तहत 50 युवाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है. चंद्रपुर जिले के वनाच्छादित गांव में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. इससे निराशा होती है और फिर जंगलों और वन्य जीवों के लिए समस्याएं पैदा होती है. इस संकट को देखते हुए चंद्रपुर के युवा वन अधिकारी संतोष थीपे ने एक अनूठी योजना बनाई है. इससे बेरोजगार युवाओं के लिए सैन्य और पुलिस प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है. चंद्रपुर के बल्लारपुर वन अभयारण्य के एक युवा अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में युवा संकट से निकलने का रास्ता निकाला है. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनवन योजना के माध्यम से गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए सैन्य पुलिस मार्गदर्शन शुरू किया है. बड़ी संख्या में वन्य जीवन वाले गाँव में युवा लोगों को सैन्य पुलिस भर्ती की तैयारी करते समय अंतहीन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. इसके अलावा वन्य जीवों के हमले भी होते हैं. एक और तैयारी कर रहे बच्चे तो दूसरी और मानव वन्य जीव संघर्ष. इससे वन अधिकारी संतोष थीपे ने डॉक्टर मुखर्जी जनवन योजना के तहत 50 युवाओं का चयन किया गया है और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण शुरू किया गया है. तर त्याकरिता डॉक्टर श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजना च्या अंतर्गत सदर लाभार्थ्यांची आपण निवड केली. कळमना, मानोरा, इटोली, केम आणि किन्नी या 5 गावातील प्रत्येकी 10 अशा प्रकारे एक 50 युवक यांची निवड करून सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी श्री खान सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांना निवासी ज्याच्यामध्ये त्यांच्या शारीरिक क्षमतेच्या अनुषंगाने तयारी आणि अभ्यासक्रमाच्या दृष्टिकोनातून या दोन्ही अनुषंगाने ती त्या युवकांची तयारी सुरू आहेत आणि युवकांचासुद्धा एक उत्कृष्ट चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद दिसून आला. आणि भविष्यामध्ये यहाँ पे जो छोटे छोटे गाँव से बच्चे आए हैं उनको हम यहाँ पर फिजिकल और लेखी की तैयारी, रहने की सुविधा और लाइफ टाइम जहाँ जहाँ भर्तियाँ निकलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी पूरी जानकारी देते हैं और इन्हें एक अच्छा सैनिक बनाने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं ताकि ये जो छोटे छोटे गाँव से आए हुए बच्चे आगे चल कर देश सेवा के लिए तत्पर रहे. अशोक
जनवन योजने अंतर्गत आम्ही इथे आलेलो आहो। इथे आम्हाला चांगल्या प्रकारे फिजिकल चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण होते, दोन टाइम फिजिकल आणि आमचे क्लासेससुद्धा होतात। आम्हाला इथं चांगल्या प्रकारे जेवणाची सुविधा सुद्धा आहे, राहण्यासाठी हॉस्टेलची सुविधा आहे आणि इथं आम्हाला चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण देऊन आम्हाला ट्रेन केले जाते। आम्ही डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी या योजनेअंतर्गत इथे पाठवले गेलेलं आहे। माझ्या घरची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे मी कुठं बाहेर प्रशिक्षणाला जाऊ शकलो नसतो, त्यामुळे मला या योजनेचा लाभ होत आहे आणि इथं दोन टाईम ग्राउंड क्लासेस भरतीचं प्रशिक्षण पूर्णपणे घेत आहेत, तरी मी या योजनेचा परिपूर्ण लाभ घेईन। नागपूर विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने के लिए आज विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस समय राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति को एक निवेदन भी दिया गया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति और राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन में राकांपा विद्यार्थी सेना भी मौजूद थी। आणि आम्ही इथे आज जमा झालेलो आहोत कारण की काही दिवसापूर्वीपर्यंत नागपूर विद्यापीठाचे VC पासून सगळे जे आपले परीक्षा संचालक आहेत साबळे साहेब आणि VC सर आणि सगळे पदाधिकारी आम्हाला पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स करत होते आणि आम्हाला सांगत होते की आमची परीक्षा ही ऑनलाईन पद्धतीने मिक्स मोडमध्ये घेतली जाणार आहे। अशा याकरिता त्यांनी एक GR पण पास केला होता माननीय साबळे साहेब यांच्या हस्ताक्षराने। शुक्रवारी ते काहीतरी सिली मिस्टेकच्या नावाने तो GR काढण्यात आला। शुक्रवारी आणि अपलोड करून अर्ध्या तासात तो GR काढून घेतला त्यांनी। त्याच्यानंतर काढल्यानंतर शनिवार आणि रविवार हे दोन दिवस सुट्टीचे असतात। आता ते त्यांनी जाणून बुजून काढला सिली मिस्टेक त्यांनी जाणून बुजून केली किंवा नाही केली ते आता आम्हाला ठाऊक नाही, पण शुक्रवारी त्यांनी अर्ध्या तासासाठी तो GR टाकला आणि पुन्हा काढून घेतला ऑनलाईन शेड्यूलचा। त्यानंतर त्यांनी सोमवारी दुपारी 2-3 वाजता दरम्यान तो नवा परीक्षण करून GR टाकला। आता त्याच्यानंतर पुन्हा अर्ध्या तासामध्ये आम्हाला सांगितलं होतं की बा हा ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा निर्णय हा फायनल आहे विद्यापीठाकडून, आणि लगेच अर्ध्या तासामध्ये आम्हाला न्यूज देण्यात आली की मंत्री महोदयांनी सांगितलं आहे ऑफलाईन एक्झाम घेण्यासाठी। जेव्हा की मंत्री महोदय स्वतः म्हणत आहेत की सगळे जितकेही महाराष्ट्राचे सगळे विद्यापीठ आहेत त्यांचे कुलगुरू हे म्हणत आहेत की आम्ही ऑफलाईन एक्झाम घेऊ। आता हे राज्य सरकार आणि याच्या राज्य शासन आणि विद्यापीठ हे आपसमध्ये काय संघर्ष करून राहिले हे आम्हाला कळत नाही आहे। हे सगळे कुलगुरू माननीय राज्यपाल यांच्या निर्देशाखाली चालत आहेत किंवा कुठल्या BJP लोकांच्या निर्देशाखाली चालत आहेत, कारण कालच काही BJP लोकांनी काल परवामध्ये 1-2 दिवसात निवेदन दिलेलं आहे की ऑफलाईन एक्झाम घ्या, पण ते नेमके व्यक्ती कोण आहेत ते कोणीतरी तपास केली का। 27 अप्रैल को प्रदेश में देश का पहला आंतरराष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इससे राज्य में खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा और खेल से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इस पर श्री केदार ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार द्वारा खेल साइंस, बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस को मंजूरी दी गई है। साथ ही अब जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है तो इस विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों को सभी स्तरों पर मान्यता दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह का सम्मान समारोह खिलाड़ियों को नई ऊर्जा देता है और अगले टूर्नामेंट के लिए प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण है। उन्होंने कहा कि इस संरक्षण के नियमों में कुछ संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कुश्ती अर्जुन पुरस्कार विजेता काका पवार, श्रम आयुक्त श्रीकांत शिंदे, सुमित स्पोर्ट्स के मोहिन बागवान, कुश्ती प्रशिक्षक शिवाजी कोली, सारा ग्रुप डॉक्टर बिपिन सूर्यवंशी, कुराश एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत जगताप, सचिव शिवाजी सालुंखे और अन्य ने भाग लिया।
तो आज के इस प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।